हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिमीज गार्डन में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फरवरी में लगाए जाने वाले फूलों के बारे में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबा ले। पोटुलाका, गुलशमा, ये संजीवनी बूटी भी इसे कहते हैं बहुत लोग अपनी भाषा में। तो आप चाहे इसे जो भी कहें, इसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये उतने ही खूबसूरत दिखते हैं। लाल, पीला, सफ़ेद, नारंगी, गुलाबी, बैंगनी, बहुत सारे रंगों में ये आपको दिख जाएंगे। इसके छोटे से पौधे को लगाना भी बहुत आसान है और सर्वाइवल रेट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक बार लग जाए तो ये सूखते नहीं। और इसे धूप भी बहुत चाहिए, और धूप इसे मिले तो बहुत सारे खूबसूरत फूल भी आएंगे और फूलों का साइज भी अच्छा रहेगा। सनफ्लावर या सूरजमुखी आमतौर पर पीले, नारंगी रंग के चमकदार फूल बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। फरवरी का महीना ही सही समय है इसे लगाने का। और इसके छोटे बड़े फूल जो आपको पसंद हो, इसके पौधे लगाएं ताकि मार्च अप्रैल तक इसके खूबसूरत फूल आपको देखने को मिल जाए। मॉर्निंग ग्लोरी या इपोमिया भी इसे कहते हैं। यह फूल सुबह 6:30 बजे तक खिलते हैं और दोपहर होते होते मुरझा भी जाते हैं। इसके बहुत सारे वैरायटी हैं, जैसे गुलाबी, सफ़ेद या नीला। क्लासिक मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं इसे, और इसे सीड्स या कटिंग दोनों से लगा सकते हैं। आप इसको फरवरी में लगा लेंगे तो अप्रैल और मई मंथ तक इसके खूबसूरत फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। अडेनियम या डेजर्ट रोज बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। इनके कई वैरायटी होते हैं, जैसे कि सफ़ेद, गुलाबी, लाल, पीला और काले रंग में भी आपको मिल जाएंगे। पूरी दुनिया में इनकी 14 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं और इन्हें ढेर सारी धूप चाहिए, और ये कटिंग बीज दोनों से लग सकते हैं। आप इसके बीज फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। यह फ्लावरिंग सकुलेंट की एक वैरायटी है और इन्हें रोज़ाना खाली धूप चाहिए, पानी कम चाहिए। विंका पैसिफिका या सदाबहार, इन नामों से तो आप पहले से ही परिचित होंगे। यह पेरेनियल प्लांट है, यानी आप इनका दीदार सालों साल भर कर पाएंगे। यह आपको कई रंगों में मिल जाएंगे, जैसे कि गुलाबी, सफ़ेद और आदि। फरवरी ही सही महीना है इन फूलों को लगाने का, ताकि 3 से 4 महीने में आपको इनके खूबसूरत फूल देखने को मिल जाएं। कॉक्सकॉम या मुर्गा फूल, यह फूल भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और यह आपको कई रंगों में मिल जाएंगे, जैसे कि लाल, गुलाबी, पीला आदि। लेकिन हम अगर देसी नस्ल की बात करें तो यह आपको रानी रंग के मिल जाएंगे। ये साग फूल के पौधे हैं और इसे लगाना भी बहुत ही आसान है। इसकी सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा होती है। अगर आप इसे एक बार लगाएंगे तो अगले 2-3 महीने तक लगातार फूल आते रहेंगे इनमें, और आपको हर साल इन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार लगा दें तो उसी पॉट में यह अगले साल खुद ब खुद उग आएंगे। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।